अपन राजस्थान जीके पढ़ रहे थे, तो आज अपन राजस्थान जीके मतलब जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस है, राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से अपन राजस्थान जीके के मोस्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मेणा व भील के बाद तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, वो तो है मेणा। मेणाओं के बाद में है भील सर्वाधिक बड़ी जनजाति, फिर भील के बाद में तीसरी बड़ी जनजाति है ग्रासिया। फर्स्ट बड़ी जनजाति कौन सी है? मेणा। और सेकंड कौन सी है? भील। और थर्ड कौन सी है? ग्रासिया। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मेणा सबसे ज़्यादा जयपुर में पाया जाता है, भील सबसे ज़्यादा उदयपुर में पाए जाते हैं, ग्रासिया सबसे ज़्यादा सिरोही में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो भी रहेगा, क्योंकि राजस्थान में मेणा और भील के बाद जो तीसरी बड़ी जनजाति पाई जाती है वो ग्रासिया पाई जाती है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो सबसे प्राचीन जनजाति है भील, और जनसंख्या की दृष्टि से जो सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है वो पाई जाती है मेणा। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? ऑप्शन है आना सागर झील, फिचोला, या फतेह सागर, या राजसमंद। तो जो नेहरू गार्डन है वो फतेह सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के निर्माण के समय मतलब 1956 में जिलों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन है 25, 26, 27 व 28। तो जब राजस्थान का निर्माण हुआ था तब जिलों की संख्या थी 25। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पूर्ण क्षेत्रफल भारत का लगभग कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत का कितना है? तो ये ऑप्शन है 6%, 13%, 15% या फिर 11%। तो जो ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग 11% है, 10 पॉइंट कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिणी की लंबाई, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिणी की लंबाई होती है 826 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई होती है 869 किलोमीटर। तो इन दोनों में अंतर है 43 किलोमीटर का अंतर है। तो राजस्थान की इसमें पूछ रखा है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिणी की लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिणी की लंबाई पूछ रखा था 826 किलोमीटर। अगर पश्चिम से पूर्व की पूछे तो फिर आएगा 869 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, 826 किलोमीटर। यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के संलग्न जिले कौन कौन से हैं? ऑप्शन है सिरोही, पाली, जालौर, या फिर झालावाड़, बूंदी, टोंक, या फिर सिरोही, पाली, नागौर, फिर है चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो जो राजस्थान के संलग्न जिले हैं वो सिरोही, पाली और जालौर है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन है गिरवा, बोराट, बाकर, या संगलिया। तो जो सिरोही क्षेत्र की मतलब सेकावाटी क्षेत्र की जो स्थानीय पहाड़ियाँ होती है उसे बाकर कहते हैं। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बांसवाड़ा में, भरतपुर में, धौलपुर में, या फिर कोटा में। रामसागर वन है वो धौलपुर में स्थित है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताने किस राजघराने के प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा है? ऑप्शन है जैसलमेर के, अलवर, जयपुर, या बीकानेर। तो राइट आंसर होगा जयपुर। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया था? ऑप्शन है 1869 में, 1865 में, 1979 में, या फिर 1889 में। अंग्रेजों ने जो सांबर झील के लिए नमक समझौता किया था वो 1869 में किया था। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमना बावड़ी का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है दौसा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, जोधपुर। जो चमना बावड़ी का संबंध है वो भीलवाड़ा से है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चना निकासी विवाद का संबंध किस प्रजामंडल से था? ऑप्शन है बीकानेर से, जोधपुर से, भरतपुर से, या जयपुर से। जो चना निकासी विवाद का संबंध है वो बीकानेर से था। राइट आंसर है ए। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल फिर साग की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, व जैसलमेर। जो चल फिर साग की दरगाह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़बेटली दुर्ग कहाँ है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ में, तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ बूंदी में, या रणथंबोर में। जो गढ़बेटली का दुर्ग है वो तारागढ़ अजमेर में स्थित है। ऑप्शन राइट आंसर है बी।
यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुंदर लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़ या फिर कोटा। जो समुंदर लहर नामक लहरिया जयपुर में रंगा जाता है, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ में दामणी क्या होता था, मारवाड़ में दामणी क्या था, ये ओढ़ने का एक प्रकार था, एक प्रकार का ये ओढ़ने का ही प्रकार था मारवाड़ में दामणी, राइट आंसर है ए। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरमल गोफा को जैसलमेर जेल में जलाकर मारने की घटना कब हुई थी। ऑप्शन है 4 अप्रैल 1945 में, 4 अप्रैल 1946 में, 24 अप्रैल 1945 में, 24 अप्रैल 1946 में। जो सागरमल गोफा को जैसलमेर के जेल में जलाकर मारने की घटना हुई थी वो 4 अप्रैल 1946 में हुई थी, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई है। ऑप्शन है बेंगू किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन, ए की आंदोलन या फिर भगत आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिक्कर किसान आंदोलन में हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई थी सिक्कर किसान आंदोलन, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ की पुकार का संबंध किससे था। ऑप्शन है माणिक्य लाल से, विजय सिंह फतिक से, मोतीलाल तेजावत से या फिर जय नारायण व्यास से। जो मेवाड़ की पुकार का संबंध था वो मोतीलाल व्यास से था, राइट आंसर है सी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनजाति के पुरुष महिलाओं के समान गहने पहनते हैं, मतलब कौन सी जनजाति के पुरुष भी महिलाओं के जैसे गहने पहनते हैं। ऑप्शन कतौड़ी जनजाति के या फिर डामोर जनजाति के, सहरिया जनजाति के या कंजर जनजाति के। तो जिसमें स्त्रियों के जैसे पुरुष भी आभूषण पहनते हैं वो डामोर जनजाति में पहनते हैं। डामोर जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी।